ये खुलते हैं हमारे सेकंड पार्सल। सेकंड और थर्ड पार्सल सेम ही है। इसमें हमने ऑर्डर किया था आर्मर, जो कि अर्तुरुल उस्मान सीजन में आपने देखा होगा लड़ाई के वक्त जो ड्रेस ये लोग पहनते हैं, इसमें वो आर्मर है। ये सेम ही है, तो हम आपको एक ही पार्सल खोल के दिखाएंगे, लेकिन हम आपको दूसरे की झलक ज़रूर दिखाएंगे। तो आइए इसे अनबॉक्सिंग करते हैं। और हाँ, इसके अंदर एक चीज़ ज़्यादा है जो कि हम आपको वो भी दिखाएंगे। तो आइए इसे अनबॉक्सिंग करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमने आपको कहा था एक एक्स्ट्रा चीज़ है, वो है ये ब्रेसलेट। कई लोगों का ये ब्रेसलेट है, बहुत ही खूबसूरत है। ये एंटीक स्टाइल का है, ये लोगो बना हुआ है और यहाँ पे डोरी है पहनने के लिए, ताकि आप इसे इजीली पहन सकें। आपको पहन के दिखा रही हूँ। ये इस तरह दिखता है हाथ में, बहुत ही खूबसूरत लगता है ये। तो ये एक ब्रेसलेट है। और अब खोलते हैं हम हमारा बड़ा आइटम, जो कि सबसे मेन आइटम है। हर एपिसोड में, हर लड़ाई में, हर वक्त इन्हें ये ड्रेसेस पहने होते हैं, आर्मर ड्रेसेस, क्योंकि ये लोग जंग के लिए हमेशा गर्दी रहते हैं। आए बारी है अनबॉक्सिंग की, आर्मर की। ये पैकेट में पैक है। ये इस पर साइज लिखा हुआ है, वो इसलिए क्योंकि श्योरिटी के लिए हमने ये साइज लिखवाए थे, क्योंकि हमने दो अलग अलग साइजेस ऑर्डर किए थे, तो ये पता चले कि कौन सा साइज कौन सा है। तो उन्होंने हमारे लिए स्पेशली ये लिख के भिजवाया है। हाँ, इसे खोल के देखते हैं। कूल, माशाल्लाह, ये आप देखें, ये है आर्मर। ये है इसका बैक साइड, देख सकते हैं। और ये है इसका फ्रंट साइड, ये बहुत ही खूबसूरत है। मुझे ब्लैक कलर बहुत पसंद था, तो हमने ब्लैक कलर ऑर्डर किया है। आप देखिए, ये बहुत ही हाई क्वालिटी लेदर का बना हुआ है, जो कि इंशाल्लाह ख़राब नहीं होगा। बहुत ही खूबसूरत ड्रेस बना हुआ है, मुझे इसकी डिज़ाइन बहुत पसंद है। आप देखिए, यहाँ पे सेंटर में बिल्कुल इसके काय का लोगो बना हुआ है, और यहाँ पे जंजीरों की तरह डिज़ाइनिंग की हुई है। और ये एडजस्टेबल है, ताकि ये किसी भी साइज़ को आ जाए। ये देखिए, यहाँ पर ये डोरियों से बांधा जाता है, तो ये पतला हो या मोटा, दोनों में एडजस्ट हो सकता है। यहाँ से भी इसकी डोरियाँ लगती हैं, हर तरफ से डोरियाँ लगी हुई हैं, ताकि ये किसी भी साइज़ को आ सके। इसके साथ हमें इसके और भी आइटम्स दिए हुए हैं, हम आपको दिखाते हैं। ये इसके साथ इसका बेल्ट दिया गया है, कई लोगों के साथ, जो कि हम आपको रख के दिखाते हैं। ये इसका बेल्ट है, इसके सेंटर में बिल्कुल काई का लोगो लगा हुआ है, और साइड में बटन्स लगे हुए हैं, और ये दिए गए हैं शोल्डर के लिए, दिए गए हैं, ये शोल्डर्स में फिट होता है। ये भी डोरी से फिट होने वाली आइटम है, ताकि किसी भी साइज़ को ये आराम से आ सके। अब डोरी बांध के इसे बांध सकते हैं। और ये दिया गया है रिस्ट के लिए, आप इसे यूँ पहन सकते हैं। इसमें रबर लगी हुई है, ठीक है, ये इजी एक्सेस है, आप इजीली इसको पहन सकते हैं रबर की वजह से। और ये क्योंकि शोल्डर का साइड है, तो इसके लिए डोरी दी गई है, ताकि ये किसी भी साइज़ को आ सके। यहाँ पे भी काई का लोगो बना हुआ है, सिमिलरली जो रिस्ट के लिए है, इसमें भी काई का लोगो बना हुआ है। और अब बारी है हमारी सबसे खूबसूरत चीज़ की, जो कि है काई कैप। इसकी टोटल सर्कमफेरेंस मेरे ख़्याल में 22 इंच है, लेकिन ये क्योंकि एडजस्टेबल है, मतलब कि ये स्टैंडर्ड साइज़ है, तो ये थोड़ा छोटा या बड़ा साइज़ हो, ये दोनों को आ सकता है। या लेदर का बना हुआ है, ये भी फुल, ये सब भी लेदर के बने हुए हैं, और ये काई कैप भी लेदर की बनी हुई है, और बहुत ही खूबसूरत से इसमें फर लगे हुए हैं। ब्लैक कलर की ये टॉपी इस पर बिल्कुल मैच है, इसी के कलर की है।
और ये सेंटर में इसके सिल्वर में काई का लोगो लगा हुआ है। तो ये बिल्कुल वैसी ही है जैसी इस ड्रामे में काई वाले पहनते हैं। हम आपको रख के दिखाते हैं, ज़रा इसका व्यू लीजिएगा आप। इसके साथ हमारी अनबॉक्सिंग पूरी होती है, लेकिन क्योंकि हमने आपसे वादा किया था हम आपको दिखाएंगे कि थर्ड पर्सन में भी हमारे जो भी आर्मर मौजूद है, ताकि आपकी भी कोई एंटिसिपेशन ना रहे कि कोई चीज़ मिस ना हो गई हो। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर भी सेम चीज़ है, यही आर्मर है, सिर्फ साइज़ अलग है और दैट्स इट। इसके साथ ही हम अपनी वीडियो का अख्तिताम करते हैं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो और हमारे आइटम्स पसंद आए होंगे। तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और एक नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।